हेलो फ्रेंड्स, किरण द न्यूटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी बहुत फरमाइश थी कि कार्डिगन बुनना बताया जाए, तो फ्रेंड्स मैंने कार्डिगन के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिससे कि आप इजीली कार्डिगन बना सकें। तो सबसे पहले हम कार्डिगन की मेज़रमेंट की बात कर लेते हैं जो मैंने इस कार्डिगन में दी है मेज़रमेंट्स। ये कार्डिगन 31 से लेके 34 इंचेस राउंड में जिनकी हिप होगी उनको ये आराम से आएगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्डिगन का लेफ़्ट पार्ट है। जैसे हम हमारे आगे के जो फ्रंट पार्ट्स होते हैं उनमें से ये एक पार्ट है, वो लेफ़्ट साइड का पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लेफ़्ट साइड में आपको क्या क्या बुनना बताया है। तो इसमें मैंने डिज़ाइन की सारी सेटलमेंट्स बताई हैं, बटन पट्टी सेटल करना बताया है, पूरा डिज़ाइन सेटलमेंट बताया है। उसके बाद मैंने ये बताया है कि पॉकेट को आपको कितनी दूरी पर रखना है। यहाँ से देखिए, इसमें इनर पॉकेट है, इनर फ्रंट पॉकेट है, बहुत सुंदर लगती है, बीच में बनती है। बट फ्रेंड्स, ये पॉकेट जो मैंने राइट साइड में बुनना बताया है, राइट साइड में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी कि कैसे आपको यहाँ पे पॉकेट रखना है, और पॉकेट का जो वीडियो है वो अलग से डालूंगी जिसमें आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो आगे की सारी मेज़रमेंट्स बताते हुए देखिए, लॉन्ग कार्डिगन है ये, आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने इसका शोल्डर कटिंग जो डिक्रीजिंग है स्टेप बाय स्टेप बताई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ये नेक डिक्रीज़ किया है इसका, ये भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। और नेक डिक्रीजिंग के बाद जो हमारा डिज़ाइन सेटलमेंट है वो भी मैंने इसमें बताया है कि कैसे करना है। ऐसे करते हुए मैंने ये सारा लेफ़्ट पार्ट पूरे अच्छी तरह से इसमें डिस्क्राइब किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके स्टिचेस की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मैंने इसके 56 स्टिचेस रखे हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके डिज़ाइन के लिए 47 स्टिचेस हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक बटन पट्टी के लिए 9 स्टिचेस रखे हैं मैंने। तो कुल मिला के टोटल इसके हैं 56 स्टिचेस। तो आप भी डाल लीजिए 56 स्टिचेस और इसको हम बुनना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने इस्तेमाल की है ये वर्धमान की रेड कलर की वूल, और यूज़ की है 9 नंबर की नीडल्स। ये वूल बहुत ही सुंदर है, देखिए कार्डिगन बनके बहुत सुंदर तैयार होगा। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसमें पूरे में नहीं बताऊंगी, इसमें मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है, इतना पार्ट लिया है बताने के लिए। इतने पार्ट में ही आपको मैं ये बहुत अच्छी तरह से बता दूंगी कि कैसे इसमें करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए है मैंने 29 स्टिचेस। इसका जो डिज़ाइन है वो 9-9 के मल्टीपल्स में चलता है। आप 9-9 के मल्टीपल्स करके +2 करेंगे तो डिज़ाइन सेटल हो जाएगा। तो मैंने इसमें लिए हैं 20 स्टिचेस डिज़ाइन के लिए, और 9 स्टिचेस मैंने अलग से लिए हैं इसके बटन पट्टी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इसकी रॉन्ग साइड है, आपको रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट करना है। ये इसमें पहले देंगे हम एक बेसिक रो, तो बेसिक रो जो है वो सारी हम उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बेसिक रो कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं डिज़ाइन वाली रो में, रो नंबर 1 में। देखिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। दो फंदे आप देखिए उल्टे बुनेंगे स्टार्टिंग से, धागा पीछे की ओर, दो सीधे 1 और ये 2। अब देखिए 2 का 1 करेंगे आगे से बुनते हुए, देखिए फिर आप इसमें 2 उल्टे 1 और ये 2, और धागा आगे रहने देंगे देखिए, और एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें जाली। अब देखिए फिर से वैसे ही रिपीट करेंगे, यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 2 फंदे उल्टे,
दो सीधे, दो का एक करेंगे और फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और यहाँ पे धागा आगे रहने देंगे और यहाँ पे एक सीधा फंदा बुनेंगे, जाली आएगी। देखिए ऐसे अब आ जाएंगे दो फंदे उल्टे, वन और ये टू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने 20 स्टिचेस बुन लिए हैं जो आपके डिज़ाइन के हैं। अब यहाँ पे हैं ये हमारे पट्टी के स्टिचेस, इनको देखिए कैसे बुनेंगे। 9 स्टिचेस हैं पट्टी के, आप अपने हिसाब से जितने भी स्टिचेस इसमें रख सकते हैं पट्टी के लिए। देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, और फ्रेंड्स लास्ट में ये हमारा रहेगा एज स्टिच। इसको हमें स्मूथ रखना है, तो देखिए ये सीधा आ जाएगा यहाँ से। ये लेफ़्ट हैंड साइड की जो पट्टी है ये आपकी, ये इधर वाली साइड आएगी। ये आप बहुत ध्यान से देखिए। अब आएंगे हम रॉन्ग साइड में, रो नंबर 2 में। देखिए ये एज स्टिच है, इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं और नेक्स्ट जो स्टिच है देखिए सीधा है, तो हमें सीधा ही बुनना है। धागा उधर को करेंगे, जिस पे जो स्टिच है पट्टी का वही बुनेंगे, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, और ये उल्टा। देखिए 2, 4, 6, 8 और 9 9 स्टिचेस हमने पट्टी के इसमें पूरे कर लिए। अब डिज़ाइन के देखिए कैसे बुनेंगे। जो आपने उधर से उल्टे बुने हैं स्टिचेस, वो इधर से हम सीधे बुनेंगे, और जो उधर से ऐसे हमने डिज़ाइन के बुने हैं वो उल्टे बुनेंगे। देखिए एक बार, एक सीधा और दूसरा भी सीधा, दो सीधे हो गए, उल्टा, उल्टा, सीधा, सीधा, उल्टा, उल्टा, तीन उल्टे हैं, फिर से दो सीधे, वन और ये टू, उल्टा, उल्टा और ये दो सीधे। तीन उल्टे, वन टू और ये थ्री, और दो लास्ट में इसमें सीधे आ जाएंगे। देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिए। रो नंबर 3 में हम राइट साइड में देखिए कैसे बुनेंगे। दो फंदे उल्टे, वन और ये टू, ये हमेशा आपको इधर से उल्टे ही बुनने हैं, वन और ये देखिए यहाँ से दो का एक करेंगे और फिर से दो उल्टे, यहाँ से इधर से फंदे कम होते जाएंगे और अब यहाँ से देखिए यहाँ बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आप एक सीधा बुन लेंगे जो आपने बढ़ाया था जाली वाला, और फिर यहाँ से धागा आगे लाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ जाली डालेंगे, फिर वैसे ही रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक सीधा और दो का एक करेंगे, फिर से दो उल्टे बुनेंगे, वन और ये टू, यहाँ एक सीधा बुनेंगे पहले, धागा आगे करेंगे और यहाँ पे फिर से सीधा बुन के जाली डालेंगे,
यहाँ पे दो फंदे आएंगे उल्टे, वन और ये टू। अब यहाँ पे फिर से हम पट्टी बुनने जा रहे हैं, एक फंदा तो इसमें ये सीधा ही चलेगा, देखिए इसको आपको सीधा ही बुनना है इधर से। और अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ये उल्टे स्टिच बुने हुए हैं, यहाँ पे हम बुनेंगे सीधा, ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, और ये लास्ट का जो एस स्टिच है ये भी सीधा बुन के इस रो में कंप्लीट करेंगे। देखिए अब आ रहे हैं हम रो नंबर फोर में, एस स्टिच ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फंदा दिख रहा है वैसे ही आपको बुनना है, ये देखिए यहाँ पे ये उल्टा है तो इसको उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, रो नंबर फोर है, उल्टा बुनेंगे सीधा बुनेंगे उल्टा सीधा उल्टा। देखिए अब यहाँ पे उल्टा बुनने के बाद ये वाला फंदा जो हम उधर से सीधा चला रहे हैं ये उल्टा बुना जाएगा। देखिए यहाँ आप ध्यान दें ज़रा, ये हमने पट्टी के जो स्टिच हैं ये पूरे कर लिए बुन के। अब हमारे पास फिर से डिज़ाइन के स्टिचेस आ गए हैं, दो सीधे बुनेंगे, अब देखिए तीन यहाँ उल्टे आएंगे, वन टू और ये थ्री, देखिए दो फिर से सीधे आएंगे, वन और ये टू, वन टू उल्टे, फिर से दो सीधे आएंगे, और अब फिर से तीन उल्टे आएंगे, वन टू और ये थ्री, दो सीधे, उल्टे दो आएंगे, और लास्ट में ये दो सीधे आएंगे। फ्रेंड्स ये रो नंबर फोर हमने कंप्लीट कर, रो नंबर फाइव में हम राइट साइड में देखिए कैसे करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये स्टिचेस ख़त्म हो गए हैं, दो का एक कर देंगे, ये देखिए, और फिर दो उल्टे, और यहाँ पे देखिए वन टू दो सीधे बुनेंगे, और यहाँ पे डालेंगे हम जाली, देखिए ऐसे, फिर से वही रिपीट करेंगे, दो उल्टे और यहाँ पे दो का एक कर देंगे, और फिर से दो उल्टे बुनेंगे, और यहाँ पे एक सीधा, दो सीधे, और यहाँ पे धागा आगे लाएंगे, और यहाँ पे आएगी एक जाली कैसे, और ये आ जाएंगे दो उल्टे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये बटन पट्टी के नाइन स्टिचेस हैं इसके लिए आप रो नंबर वन टू थ्री और फोर को रिपीट करते जाएंगे, तो इसका जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये आगे आगे चलता जाएगा। अब मैं आपको ये बटन पट्टी नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपको इतना डिज़ाइन ही आगे बताऊंगी कैसे चलेगा। बटन पट्टी में आप वन टू फोर रोज़ को रिपीट करते जाइए। रो नंबर सिक्स में हम रॉन्ग साइड में देखिए बटन पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए हैं, यहाँ से होगा डिज़ाइन स्टार्ट, दो फंदे आप सीधे बुनेंगे, यहाँ पे चार उल्टे आएंगे, वन टू
थ्री और ये फोर, ये दिखने लग जाएगा, आप आराम से इसको कर लेंगे। देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दो आप सीधे डालेंगे और यहाँ पे एक आपके पास उल्टा आएगा। आपको रॉन्ग साइड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बुनने में। ये जब आप थोड़ा सा बुन लोगे तो आपको ये दिखेगा। चार आप उल्टे डालोगे, और दो सीधे, एक यहाँ पे उल्टा आएगा और यहाँ पे आ जाएंगे दो सीधे। अब मैं आपको रॉन्ग साइड से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आराम से दिख रहा है, दो दो इसमें ये सीधे यहाँ पे हैं। आपको वहीं पे ये बुनते जाना है, बाकी बीच के देखिए फंदे उल्टे अपने आप आते जाएंगे। रो नंबर 7 में हम राइट साइड में देखिए कैसे बुनेंगे। ये दो तो हम उल्टे ही, जैसे जो उल्टे फंदे जो आ रहे हैं वो उल्टे ही आएंगे हर बार। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से इसका जो नई डिब्बी है दोबारा स्टार्ट होगी। देखिए धागा आगे रहने देंगे और यहाँ से सीधा फंदा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे अब जाली आएगी, दो उल्टे बुनेंगे और ये देखिए वन और ये टू हम सीधे बुनेंगे। और ये देखिए यहाँ से फंदे कम होने शुरू होंगे। अब ये वाला और ये वाला दो फंदों का एक करेंगे। देखिए ऐसे दो उल्टे और यहाँ पे देखिए धागा आगे रखेंगे और एक सीधा फंदा बुनेंगे। यहाँ पे आ जाएगी जाली और ये आ जाएंगे दो उल्टे। ये डिज़ाइन की जो, अब देखिए आगे फिर से वैसे ही एक सीधा, दो फंदे सीधे और दो का देखिए एक करेंगे यहाँ पे। और लास्ट में आ जाएंगे ये आपके पास दो फंदे सीधे। ये डिज़ाइन वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे फ्रेंड्स ये वाली पट्टी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड में है रो नंबर 8 में, ये पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए हैं। फिर वैसे ही बुनेंगे हम, देखिए दो सीधे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये दिखने लगेगा रॉन्ग साइड से। यहाँ पे तीन आ जाएंगे उल्टे, फिर से दो सीधे और यहाँ पे देखिए यहाँ दो उल्टे आएंगे, दो सीधे आएंगे दो उल्टे आएंगे सॉरी तीन उल्टे आएंगे यहाँ पे, फिर से दो सीधे आएंगे और यहाँ पे दो उल्टे आएंगे और लास्ट में दो सीधे आएंगे। ये रो नंबर 8 हमने कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं राइट साइड में रो नंबर 9 में, देखिए कैसे करेंगे। दो उल्टे आएंगे स्टार्टिंग में। अब देखिए यहाँ पे बढ़ते जाएंगे फंदे। ये जाली वाला फंदा हम बुन लेते हैं ऐसे सीधा और धागा आगे लाएंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर से दो उल्टे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सीधा आएगा और यहाँ पे करेंगे हम दो का एक, दो उल्टे आएंगे यहाँ पे, फिर हम एक सीधा फंदा करेंगे और धागा आगे लाएंगे और देखिए यहाँ जाली डालेंगे, दो उल्टे बुनेंगे, एक सीधा फंदा और यहाँ पे देखिए दो का एक करेंगे और लास्ट में आ जाएंगे ये दो उल्टे फंदे। ये रो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये पट्टी वाले फंदे बुन लेती हूँ दोनों साइड से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रो नंबर 10 में हम रॉन्ग साइड में, देखिए मैंने ये बटन पट्टी के फंदे बुन लिए हैं। अब हम दो सीधे बुनेंगे और देखिए यहाँ पे आ जाएंगे वन
और ये टू, देखिए उल्टे आ जाएंगे। अब देखिए आप सीधे दिखने लग रहे हैं, बस आपको ऐसे ही बुनते जाना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत लगेगी रॉन्ग साइड में, फिर आपको ये दिखने लगेंगे। तीन उल्टे आ गए यहाँ पे, फिर से दो सीधे, सीधे फंदे इधर से उभर के आएंगे, वो आराम से दिखेंगे। तीन उल्टे आ जाएंगे ये, और लास्ट में आपके आ जाएंगे ये दो सीधे। ये रो नंबर 10 कंप्लीट कर ली हमने। अब आते हैं इसकी राइट साइड में, ये है रो नंबर 11। 11 देखिए कैसे बुनेंगे, वैसे दो फंदे आप सीधे बुनोगे और एक सीधा, दो सीधे, और देखिए यहाँ जाली आएगी, धागा आगे लाएंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे कैसे। अब दो फंदे उल्टे आएंगे इसमें, और देखिए यहाँ पे दो फंदे रह गए हैं, इनका दो का एक करेंगे देखिए ऐसे। अब आगे फिर से दो उल्टे, और यहाँ पे एक सीधा, दो सीधे, और यहाँ पे डालेंगे हम एक जाली, और यहाँ पे आएंगे दो उल्टे फंदे, और ये देखिए यहाँ पे दो का एक करेंगे। और लास्ट में ये दो उल्टे फंदे बुने जाएंगे। ये पट्टी के फंदे मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी रो नंबर 12 में हम रॉन्ग साइड में देखिए दो सीधे बुनेंगे, एक यहाँ पे देखिए उल्टा आएगा। ये जैसे जैसे देखिए आपको दिख रहे हैं वैसे ही आपको बुने जाना है। दो सीधे, ये यहाँ चार उल्टे आ जाएंगे, वन टू थ्री, और ये फोर। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, एक बार आप देख लेंगे इसकी रोज़ तो आपको आराम से ये आ जाएगा। लास्ट में ये दो सीधे आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कर ली हैं 12 रोज़ कंप्लीट। ये देखिए डिज़ाइन आपका बनके तैयार है। अब आप इन 12 रोज़ को डिज़ाइन के लिए, यहाँ तक के लिए देखिए, यहाँ तक है आपका डिज़ाइन, यहाँ के लिए आप रो 1 से लेके रो 12 तक रिपीट करते जाएंगे तो आपका ये डिज़ाइन आगे आगे चलता जाएगा। और मैं आपको भी बटन पट्टी भी दिखाती हूँ, देखिए बटन पट्टी का डिज़ाइन बहुत सुंदर बनके तैयार हुआ है। इसका मैंने पहले आपको बता दिया है 1-4 रोज़ को रिपीट करना है बटन पट्टी के लिए, और यहाँ पे इतने डिज़ाइन के लिए 1-12 रोज़ को आप रिपीट करते जाएंगे तो डिज़ाइन चलता जाएगा।